एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज आप सबका भाई बहुत ही टाइम बाद और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ी कमाल की है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है लास्ट डेट एंड नेशनल डिफेंस अकेडमी। बहुत ही मज़े की वीडियो। आप सब लोग देख कर मुझे कहेंगे कि भाई अगर इतने दिनों बाद भी आप वीडियो आपने अपलोड किया ना, तो बहुत ही कमाल की वीडियो की है। मुझे कमेंट करके आप सबने लास्ट भी बताना है वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। काफी कमाल की वीडियो है ये। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडिया में कई मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपनी रिस्पेक्ट और अपना ऑरा है, और उन इंस्टीट्यूट्स या एकेडमी में जाने के लिए लाखों बच्चे हर साल अलग अलग तरह की एंट्रीज में बैठते हैं और एग्जाम क्लियर कर अपने ड्रीम लाइफ को चुनते हैं। ऐसी ही एक सबसे खास एकेडमी है NDA, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें जाने का सपना हर एस्पिरेंट ने कभी ना कभी तो जरूर देखा होता है, और कुछ के ये सपने पूरे भी होते हैं। राष्ट्रीय रक्षा का नहीं, दीक्षांत समारोह परेड, 596 कैडेट परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर। अगर आप एक NDA एस्पिरेंट हैं, तो आपने भी ये कभी ना कभी सोचा होगा कि NDA में आपका पहला दिन कैसा होगा। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट्स के फर्स्ट डे के बारे में। दोस्तों, अगर आप NDA एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने NDA एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। NDA पुणे में स्थित एक ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां तीनों ही सर्विसेज मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स को प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग दी जाती है, और उन्हें ग्रेजुएशन भी यहीं से करवाया जाता है। देश की सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक SSP इंटरव्यू और मेडिकल पास करने के बाद जब कैंडिडेट्स यहां पहुंचते हैं, तो उनमें एक कॉमन बॉय से जेंटलमैन कैडेट बनने का एक अलग ही उत्साह होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्शन की। एकेडमी के द्वारा पुणे रेलवे स्टेशन पे कैंडिडेट्स के लिए रिसेप्शन ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो कैंडिडेट्स और उनके लगेज को एकेडमी तक ले जाने में हेल्प करते हैं। रिसेप्शन के टाइम पे कैंडिडेट्स को अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और ज्वाइनिंग लेटर दिखाना पड़ता है। जो कैंडिडेट्स रिसेप्शन अटेंड नहीं कर पाते, उन्हें खुद के अरेंजमेंट से NDA तक पहुंचना पड़ता है। दोस्तों, एक सोल्जर की पहचान उसके डिसिप्लिन से होती है। रिसेप्शन के वक्त से ही कैंडिडेट्स को शर्ट, ट्राउजर और टाई पहनकर ही रिपोर्ट करना पड़ता है। कैंडिडेट्स के पेरेंट्स या गार्जियंस को भी फर्स्ट डे में कैंडिडेट्स के साथ NDA में आने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उन्हें कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करा जाता, और कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग होते ही उन्हें एकेडमी से वापस जाना पड़ता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचना ही एक सपने जैसा होता है, क्योंकि आप वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं जो आपने कभी सिर्फ सोचा या वीडियोस में देखा होता है। इधर से उधर दौड़ते कैडेट्स, एकेडमी का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और एकेडमी का माहौल, हर एक चीज बिल्कुल सपने के सच होने जैसा होती है। एकेडमी पहुंचते ही सबसे पहले न्यू कैडेट्स को नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा जाता है, जहां ऑफिसर्स उनके सभी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और बच्चों का एकेडमी में स्वागत करते हैं। वो बच्चों के गार्जियन की तरह उन्हें समझाते हैं और एकेडमी के कुछ बेसिक रूल्स से उन्हें वाकिफ कराया जाता है। इसके बाद सभी बच्चों को कैडेट्स बार्बर शॉप में क्रू कट या कहें एकेडमी सिग्नेचर कट के लिए भेजा जाता है, ताकि सभी बच्चों में एक समानता आ सके। पहली बार खुद को क्रू कट में देखना कई नए कैडेट्स के लिए थोड़ा शॉकिंग सा भी होता है, और कुछ इसे फनी मानकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इसके बाद कैडेट्स को स्क्वाड्रन अलॉटमेंट के लिए बुलाया जाता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NDA में टोटल 18 स्क्वाड्रन्स होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा, एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को स्क्वाड्रन में बांटा जाता है, उसी तरह इन नए कैडेट्स को भी उनकी स्क्वाड्रन अलॉट की जाती है, जिसकी शान के लिए वो आगे चलकर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। भाई
अब आप एक कैंडिडेट से नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट बन चुके हैं। इसके साथ ही आपको एक एकेडमी नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपकी पहचान बनता है। इन सब के बीच कैडेट्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और एक लाइफ लॉन्ग कोर्समेट बॉन्ड के लिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले कुछ दिनों में कैंडिडेट्स के हर एक कैडेट को ओवर स्टडी अलॉट किया जाता है। आपका ओवर स्टडी आपका सीनियर होता है और आपको एकेडमी के कायदे कानून सिखाता है और गलती करने पर आपको रगड़ा भी देता है। दोस्तों, एनडीए का पहला दिन पूरी 3 साल की ट्रेनिंग को बयान नहीं कर सकता। एनडीए की लॉन्ग ट्रेनिंग आपकी लाइफ में आने वाले सबसे मुश्किल लेकिन लाइफ चेंजिंग दिन होने वाले हैं। तो कुछ ऐसा रहता है कैडेट्स का पहला दिन, जिसमें उन्हें डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से रूबरू कराया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप भी जल्द ही अपने सपनों को पूरा करेंगे और देश की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बन अपना सबसे इम्पोर्टेंट योगदान देश को देंगे। डिफेंस फोर्सेस के बारे वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी? मुझे बहुत ही अच्छी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। अच्छा, इस वीडियो में जो मैंने चीज़ नोट की है, काफ़ी छोटी एज के भी लड़के हैं, जितने भी मतलब छोटी एज के लड़के होते हैं ना, वही ये भर्ती करते हैं फौज के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर, और उनको ट्रेनिंग देते हैं काफ़ी अरसे बाद। और मतलब जितने ये लड़के भर्ती करते हैं काफ़ी कम एज के, और वो कोई आम लड़के नहीं होते, वो ये देख कर भर्ती करते हैं कि इनमें जान और ताकत है भी या नहीं। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके आप सब ने लाजमी बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरे चैनल के साथ। खुदा हाफिज़।